आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पिट्ठा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और तेल, नमक, धनिया, लहसुन, अदरक और जीरा, पानी और ये चना दाल। अब हम दाल बनाएंगे। इसके लिए अब मैं गैस पे कुकर चढ़ा दूंगी। अब इसमें ये दाल डाल देंगे। जैसे आप नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे हल्दी नमक डाल के इसको हम पका लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक डाल के। अब थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे इसको दाल को गलाने के लिए। अब कुकर का ढक्कन लगा के अब इसको 4 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम आटा तैयार कर लेंगे पिट्ठी बनाने के लिए। अब आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको नमक और आटे को मिक्स कर लेंगे। अब पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम वो डो। कुकर के अब सीटी भी आने लगी। अब 4 सीटी लगा लेंगे। अब आटा भी तैयार हो गया। अब इसको गूंद लेंगे आटे को। अब पिट्ठी तैयार करेंगे। बेल के ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमने लोई बनाया। इसको छोटा सा पूड़ी की जैसे बेलेंगे, एक फूल का आकार देते हुए। ये देखिए ऐसे ऐसे बना लेंगे। ऐसे ही हम सारा पिट्ठी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे फ्लावर के शेप में। ऐसी ही सारी पिट्ठियाँ तैयार होगी बनके। अब ये दाल भी तैयार हो गया है। अब इसको मसल लेंगे दाल को, थोड़ा मैश कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे 3 चम्मच। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। लहसुन अब इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब
अब ये लहसुन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें कटी हुई अदरक डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे लहसुन के साथ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये दाल डाल देंगे। दाल में थोड़ा पानी कम लग रहा है, थोड़ा और पानी डाल लेंगे इसमें। अब इसमें पिट्ठिया भी डाल लेंगे। ऐसी ही सारे पिट्ठियों को हम डाल लेंगे। अब ये देखिए पिट्ठिया पक रहा है कैसे दाल के साथ। इसको पूरी अच्छी तरह से पका लेना है, कच्चा ना रहे, आपको चेक करते रहना है। ये देखिए हमारी पिट्ठियाँ तैयार हो गया। अब हम तड़का तैयार करेंगे। अब हम तेल डालेंगे एक पैन में, ये ना दाल बचाई थी, मैं जो भीगा हुआ दाल भिगाई थी ना दाल बनाने के लिए, अब इसको तेल में डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे दाल को। ये मैं दिखाना भूल गई थी जो बचा के रखी थी। अब ये फ्राई हो गया है, ये नमकीन के जैसे इसको भुनना है, करारा एकदम। ये देखिए ऐसे, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। ऐसे पहले भी नहीं डाल रखी थी लाल मिर्च या हरी मिर्च, कुछ भी नहीं। तो अब इसे ये तड़का तैयार हो गया है। अब ये तड़का हम पिट्ठी में डाल देंगे, दाल पिट्ठी में। ये देखिए तड़का डालने के बाद कैसा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ दाल पिट्ठी को। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे छोटी वाली चम्मच से, जो मसाले वाले। अब धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारा तैयार है दाल पिट्ठी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बचे हुए ये देखिए अब ऐसे लुक आ रहा है हमारे दाल पिट्ठी का।